हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ जामुन शॉर्ट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैं यहाँ ली हूँ 250 ग्राम जामुन। जामुन को हम धुलकर कपड़े से पोंछ लिए हैं। फिर उसको इस तरह से चाकू की मदद से जामुन को हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप जामुन को कट कर लीजिए। इसका गुठली को आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए, गुठली को हम इस तरह से निकाल लिए हैं। अब हम लिए एक छोटी सी मिक्सर का जार, जिसमें हम डाल दिए हैं सभी को जो हमने निकाल के रखे थे जामुन का गूदा को, इस तरह से इसमें डाल देंगे। इस तरह से सभी गूदे को आप डाल दीजिए इसमें। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे पुदीना का पत्ता, साथ ही 1 चम्मच डाले हैं पिसी हुई चीनी, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 नींबू का रस, 1/2 ढक्कन बंद करके हम पीस लेंगे। तो अब गिलास में लगाने के लिए मैं 1/2 नींबू जो हम निचोड़े थे उसी नींबू को थोड़ा सा गिलास में लगा दिए हैं। फिर इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक डालकर इसे मिला लिए थे, और इसी में इस तरह से गिलास को डिप करेंगे जिससे इसमें लग जाए। तो इस तरह से गिलास में हम लगा कर तैयार कर लिए हैं। तब तक ये देखिए, जामुन शॉर्ट्स भी बनकर तैयार हो गया, आपको दिखाते हैं। पहले चम्मच से आपको दिखाते हैं ये कैसा बना है। ये देखिए, ये बहुत ही गाढ़ा है। इसमें हम 1/2 ग्लास ठंडा पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होने से ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसमें 1/2 ग्लास हम पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह से आप उसे 1 से 2 मिनट तक मिला लीजिए। तो मिलाने के बाद ये देखिए, ये ऐसा है। अब तो ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो ग्लास में लगा के रखे थे मसाला, उस ग्लास को हम ले लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 5 से 6 बर्फ के टुकड़े। आप चाहें तो बर्फ के टुकड़े स्किप भी कर सकते हो। और फिर हमने जो जामुन का शॉर्ट्स बना के रखे थे उसको हम ग्लास में डाल देंगे। तो हम यहाँ डाल लिए हैं पुदीना पत्ता को, हम थोड़ा सा लगा लेंगे उसके ऊपर। अब हम आपको पी के दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसा बना है। तो ये बहुत ही गजब का बना है, आप लोग जरूर बना के देखिए। बाय बाय।